हेलो दोस्तों, आज यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया जिसमें यूट्यूब ने अपनी टर्म ऑफ सर्विस में कुछ बदलाव किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है। उसको आपको जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो देखो मेरे पास मेल आया है सुबह 8:40 पे आज की डेट पे, तो इसमें फ्रेंड यूट्यूब ने अपनी टर्म ऑफ कंडीशन में कुछ बदलाव किए हैं जिसमें बताना आपको बहुत जरूरी था। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट है फेशियल रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन। इसमें फ्रेंड उसने बताया गया है भी आप किसी की भी बंदे की फोटो, जो भी क्रिएटर है यूट्यूब की, उसकी इंफॉर्मेशन आप अपने चैनल पे शेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरा भी कोई फोटो वगैरह है तो आप अपने किसी भी वीडियो में उसका यूज नहीं करते। कानून पहले से भी था लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और सख्त कर दिया है। और दूसरा है फ्रेंड यूट्यूबर्स राइट टू मोनेटाइज। ये मोनेटाइज से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज है फ्रेंड। इसमें उन्होंने बताया गया अभी YouTube के पास से राइट है भी जिसका चैनल मोनेटाइज है चाहे नहीं है, वो किसी भी चैनल पे अपनी एड दिखा सकता है। पहले तो ऐसा होता था जिसका चैनल मोनेटाइज है उसके बाद ही एड आती थी, अभी उन्होंने ये भी कर दिया अभी हम जिस मर्जी भी चैनल पे अपनी एड दिखा सकते हैं, ये हमारा राइट है। और तीसरा है इम्पोर्टेंट है जो पहले से भी था, रॉयल्टी पेमेंट एंड टैक्स विद होल्डिंग। इसमें फ्रेंड इन्होंने ये कर दिया भी अगर 1 जून से लेके भी जो जिसके चैनल मोनेटाइज है उसको ये टैक्स फिल करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर उसको ये टैक्स बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसके रिगार्डिंग ही उसने ये बताया गया है भी इसको आपको टैक्स फिल करना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, इसके रिलेटेड आपके पास मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं भी जो इसने मोनेटाइज से लेके ऐसी पॉलिसी बना दी है, अभी आपको मतलब 5,000 पब्लिक वॉच टाइम चाहिए और 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो फ्रेंड इसमें बस इतना ही बताया गया, तो लोग ऐसे ही फेक बना रहे हैं। तो उम्मीद करता फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड।